उत्तर प्रदेश में चार साल सरकार को बने हुए हुए और बुंदेलखंड का विकास जो पिछली सरकारों ने अनदेखा किया, उत्तर बुंदेलखंड पिछड़ता जा रहा था। हमारे केंद्र की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये संकल्प किया, ये वादा किया, ये विश्वास दिलाया, इस बात की घोषणा की कि हम बुंदेलखंड का विकास हर हालत में करते रहेंगे और बुंदेलखंड को एक विकसित क्षेत्र बनाने का सपना ये हम पूरा करेंगे। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कही गए, सबसे ज्यादा बार, तो बुंदेलखंड का चार वर्षों के अंदर लगातार दौरा करके बुंदेलखंड के विकास को गति देने का काम किया। चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे पानी से जुड़ी हुई खेल जल से जुड़ी हुई हमारी योजनाएं, सारी योजना, सारी विकास की योजना बुंदेलखंड की धरती पर लाकर और प्रदेश में अग्रणी भूमिका बुंदेलखंड की हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए यह हमारे मन पर जो विराजमान है, सबका अभिनंदन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार आप सब की ओर से अभिनंदन और स्वागत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं विभिन्न लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र देने का अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके लिए जालौन से लाभार्थी हैं जागेश्वर जी पुत्र रामस्वरूप। मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमों से उसे प्रमाण पत्र प्रदान करें। श्री जागेश्वर पुत्र रामस्वरूप जालौन से हमारे बीच में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के श्रीमती मीरा देवी झांसी से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्रीमती शायरा बानू, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि श्री ब्रजमोहन, प्रधानमंत्री फार्म मशीनरी योजना इसके अंतर्गत अमित कुमार पांडे और PMKSY खेत तालाब योजना इसके अंतर्गत प्रेम लता जी। जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए जो आज उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। और इन तालियों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्थान प्रेम लता जी को ये प्रमाण पत्र देते हुए और इसी के साथ धन्यवाद सहित माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध और अनुरोध माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी से श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सराय और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए इस सभा को संबोधित करें। मन पर विराजमान राज्य के यशस्वी ओजस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय नामवर संधुत्री जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ के सांसद आदरणीय अनुराग शर्मा जी, सांसद जालौन गरौटा श्री भानु प्रताप सिंह जी, हमारे यहाँ के सदर के विधायक आदरणीय रवि शर्मा जी, पालीछा विधायक आदरणीय राजी सिंह जी, आदरणीय बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी,
आयुक्त, झांसी मंडल, पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ प्रशासन। मित्रों, यहाँ माताएं बहने भी बैठे हैं, विराट समुदाय, विराट जनसभा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में चाय बेचने वाला गरीब परिवार और पिछड़े में जन्म लेने वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मित्रों, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गरीबों की खुशहाली चाहते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक संत और योगी जो गांव गरीब किसान के खुशहाली के लिए, दलित शोषित वंचित के खुशहाली के लिए, आदिवासी वनवासी गिरवासी के खुशहाली के लिए, मित्रों, और एक टेम्पो चालक मेरे को मिला, टेम्पो चालक लखनऊ में मिला मेरे को। मैं उससे पूछा कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। उसने कहा, भाई साहब, यदि रात में 11 बजे रात को भी 11 बजे रात को यदि कोई बेटी और महिला जेवर और सोना पहन के निकल जाए लखनऊ के अंदर, तब टेम्पो चालक भी और किसी गुंडे की हैसियत नहीं है उस लड़की को टच कर दे। यह स्थिति इस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड पर AK-47 लेकर गुंडे पहनते थे, झांसी से लेकर बलिया तक जो लोग टहलते थे, तो AK-47 लेकर गुंडे बदमाश, आज राज्य के अंदर गुंडे बदमाशों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चला उनके संपत्तियों पर, मित्रों, और वो पंजाब में शरण लिए हैं और शरण कांग्रेसियों ने किया है। जो भ्रष्टाचार के आकंठ में घूमते हुए कांग्रेसी, जो कांग्रेसी राहुल गांधी से लेकर वो शरण किए, मित्रों, जो गुंडे पंजाब में शरण पा रहे हैं। यही नहीं मित्रों, गांव का गरीब के शादी का मामला हो, उसके विवाह समारोह मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, गरीबों की चिंता इस धरती पर कोई करता है तो आदरणीय योगी जी करते हैं। बच्चों के लिए पुस्तक हो, चुने हो, मोजे हो, वस्त्र हो और अच्छे विद्यालय में पढ़ सके और पोषण भोजन स्थित से प्राप्त करे, यदि राज्य के अंदर कोई चिंता करता है आदमी, आदरणीय योगी जी करते हैं। तो इससे पहले आपने सरकार ने कहा समा बसपा का, आपने देखा है तो सरेआम उनका भ्रष्टाचार था। अब आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। मित्रों, ईमानदार कोई है तो आदरणीय योगी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश का सरकार चल रहा है। मित्रों, एक ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है। इसी तरह मित्रों, पहली बार इस राज्य के अंदर और बुंदेलखंड विशेष रूप से जो बुंदेलखंड इसमें हाईवे बन रहा है, चाहे कार्यक्रम बन रहा है, नौजवानों को रोजगार और यहाँ के नौजवान पलायन नहीं करेंगे और दूसरे राज्य में भी ले जाएंगे मित्रों, और यही उनको रोजगार मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहली बार, और इसको केंद्र ने स्वीकार किया है मित्रों, पहली बार केंद्र ने स्वीकार किया है। हर जिले का प्रोडक्ट अब पूरे देश के अंदर बिक्री हो रही है। नौजवानों का यार 1500 में 4 साल में प्रति आदमी योगी जी के रही है। 1500 में जो नागरिक के प्रति व्यक्ति आए थे 45,000, वो 95,000 करने का किसी ने काम किया है मित्रों, आदमी योगी जी ने किया है। इसलिए गरीबी ये सब को ऊपर किसने उठाया है, आदमी योगी जी ने उठाया है मित्रों। और इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ, बुंदेलखंड में जो काम आदमी योगी जी करने जा रहे हैं यार, और जो पहले आदमी महेंद्र जी के नेतृत्व में नींव रखा गया मित्रों, बुंदेलखंड की महिलाएं गीत गाय करती थी और दर्द से कि खसम मर जाए, लेकिन मेरी पानी का गगरी बड़ा न फूटे मित्रों, और उस पानी घर घर पानी पहुंचाने का काम किसने व्रत किया है, संकल्प किया है, तो आदरणीय योगी जी ने लिया है मित्रों, जो हर गरीब के घर में स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, एक ईमानदार मुख्यमंत्री जिसके परिवार के सदस्य सरकारी में गाड़ी नहीं बैठ सकता है, सरकार का दोहन नहीं कर सकता है, और गरीबों के लिए समर्पित हो, दलितों के लिए समर्पित हो, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों के लिए समर्पित हो, जो गांव गरीब किसान के लिए समर्पित हो मित्रों, ऐसा ईमानदार योग्य मुख्यमंत्री कहां मिलेगा मित्रों। इसलिए एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय आदरणीय योगी जी का स्वागत करें मित्रों। लगना चाहिए माताओं का।
हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के
निरीक्षण भी करना
कनेक्टिविटी न होने के कारण वह व्यक्ति यहाँ आने में उसको समस्याएं होती है, लेकिन अब सरकार ने तय किया है अच्छी कनेक्टिविटी देंगे। एक्सप्रेस लेन का, फोर लेन का यह कनेक्टिविटी की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे और वायु सेवा की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके, अच्छी सड़कों की सुविधा उपलब्ध करवा करके देश और दुनिया के लोगों को झांसी की वीर भूमि से अवगत करा के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के स्वर्ण पाटलों के सामने यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। ढेर सारी संभावनाएं इस धरती पर है। डिफेंस कॉरिडोर इसी उद्देश्य से उसका केंद्र बिंदु हम लोगों ने यहां पर बनाया है। आप याद करिए जब झांसी की धरती पर फाइटर विमान बनेंगे और ये फाइटर विमान दुश्मन की धरती पर जाकर के दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त करने का कार्य करेंगे और झांसी का नौजवान जब दुश्मन की छाती को रौंदता हुआ दिखाई देगा तो झांसी का बाई के रूप में वह तेज और एक बार फिर से दुनिया देखेगी। आज ये डिफेंस कॉरिडोर का मुख्य केंद्र बिंदु झांसी बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है, पर्यटन के बाहर संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आपने प्रातः काल से ही बुंदेलखंड के झांसी मंडल के सभी जनपदों का दौरा करने के बाद आपने यहां आया हूं। मैं प्रातः जालौन जिले में था, जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का यमुना जी में बन रहे दृश्य में देख रहा था। याद करिए यमुना जी में बड़ा ब्रिज बन रहा है, इस प्रकार के ब्रिज को बनने में पहले कितना समय लगता था, 6 साल, और हम कितने महीनों में बना रहे हैं, 7 से 8 महीने के दौरान यमुना जी को ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। यह है कार्य किसकी। वहां के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद फिर मैं ललितपुर गया। ललितपुर में बन रही 5 परियोजना का लोकार्पण किया, 11 गांवों को पेयजल के साथ साथ 3,500 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी 5 परियोजना से मिलने वाली है। और मैंने तो यह भी अनुरोध किया है कि जहां पर भी हमारी इस प्रकार की परियोजनाएं बन रही हैं, परियोजना से जुड़े हुए लोगों से, कार्यकारी संस्थाओं से हम कहें कि एक एक गांव की गोद लीजिए, उस गांव का समग्र विकास भी करवा दीजिए जिससे लोगों को विकास दिखाई देना चाहिए, बुंदेलखंड विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। और आज ललितपुर की इस परियोजना के और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को लेने के बाद, वहां के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के बाद, अब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं झांसी मंडल के लोकार्पण के कार्यक्रमों का आपके साथ साक्षी बन सकूं। हमारे सांसद ने, हमारे विधायकों ने, हमारे महापौर ने, जनप्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने जो परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, आज उसका परिणाम है ये विकास की योजनाएं झांसी जिले को, जालौन जिले को, ललितपुर जनपद को प्राप्त हो रही है। और विकास की योजनाओं के माध्यम से हम लोग प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने इस देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर देखी, चाहे वह किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम हो। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने आने के प्रधानमंत्री बन, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद किसानों के लिए स्वायत्त
कोटे का विवाद होगा तो फिर कोटे को निरस्त करके महिला स्वयंसेवी समूह ही उस कोटे का संचालन करेंगे। हम लोगों ने तय किया है बाल विकास और पुष्टाहार का कार्य अब कोई और नहीं बल्कि गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह उसका संचालन करेगी। कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, कोई माता कुपोषित नहीं होनी चाहिए, कोई किशोरी बालिका कुपोषित नहीं होनी चाहिए। और इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ किया है। एक तरफ यह कार्यक्रम, वही इस बार बजट में हम लोगों ने एक और व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों व्यवस्था है जैसे बरेली मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना झांसी में ही हम लोगों ने की थी, आज वो अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे ही हर कमिश्नरी में हम इस प्रकार के समूह महिला सामर्थ्य योजनाओं को लागू करने का कार्य करने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज हम लोग राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के इस प्रांगण में इकट्ठे हैं और मेरे लिए गौरव की बात है। राजकीय इंटर कॉलेज झांसी अपने 100 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। झांसी वासियों आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। हमारी सरकार ने इस बार एक निर्णय और किया है, निर्णय किया है कि 50 साल से ऊपर जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं या फिर शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों के भवनों के पुनरुद्धार के लिए सरकार सहयोग करेगी। और बजट में हम लोग व्यवस्था किए हैं और मुझे लगता है जिला प्रशासन को चाहिए कि 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज झांसी के पुनरुद्धार की ठोस कार्य योजना सरकार के सामने ला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना चाहिए। इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक बहुत बड़े माध्यम होते हैं, बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से होता है। और आज जब हम लोग बुंदेलखंड की धरती में आए, मैं तब बुंदेलखंड को देखता हूं, भाइयों बहनों मुझे लगता है कि ईश्वर ने कितनी असीम संभावना बुंदेलखंड के लिए दी। देश और प्रदेश के अंदर निर्माण की आधारशिला बुंदेलखंड स्वयं बदहाल रहा, योजनाओं से वंचित रहा, यहां पर नौजवानों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया, यहां पर अन्ना प्रथा के कारण किसान अपनी फसलों को नहीं बो पा रहा था, पहले तो पानी नहीं था, सरफेस वाटर की मौजूदगी के बावजूद लोगों को परेशानी होती थी, अगर कोई किसान खेती करना भी चाहता था तो अन्ना प्रथा की समस्या उसके सामने थी। हमारी सरकार ने उसका भी समाधान किया है। अन्ना प्रथा की समस्या के समाधान के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर बड़ी बड़ी गौशालाओं की स्थापना के लिए सरकार ने पैसे की व्यवस्था कर दी है। हर न्याय पंचायत स्तर पर हम इसको बनाएंगे। लेकिन अगर कोई किसान निराश्रित गोवंश को अपने लिए पालने के लिए रखना चाहता तो हर गोवंश पे 900 रुपया सरकार उसको हर महीने देने का कार्य भी करेगी। अगर गाय दूध देने वाली है और दूध देने वाली गाय को कोई कुपोषित परिवार अपने घर में रखना चाहता है, हम उस परिवार को गाय भी देंगे और हर महीने 900 रुपया भी देंगे। भैया बहनों ये कुपोषण की समस्या का भी समाधान करेगा और गौ माता की रक्षा का काम भी करेगा। आप सब जानते हैं हम लोग गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या नहीं होने देते, लेकिन उसके संरक्षण और उसकी नस्ल सुधार की दिशा में सरकार बेहतरीन कार्य करना चाहती है। हम भी चाहते हैं बुंदेलखंड की जो गाय है जो भी 200 ग्राम 500 ग्राम तक दूध देती है, इसी गाय के दूध में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है और नस्ल सुधार के माध्यम से संभव है। और इसके लिए हम लोगों ने
परिवार मंत्री और आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे और साथ साथ आज के जल शक्ति मंत्री और उस समय के ग्राम विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी थे। उस समय स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा मुझे इस समय के मुख्यमंत्री जी, मैंने अपना पूरा जीवन बुंदेलखंड में बिताया है और बुंदेलखंड में बिताने के नाते हमेशा एक कसम थी कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। क्या कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो बुंदेलखंड के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके? और भाइयों बहनों, तब मैंने उस दिन पहले मीटिंग में घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के विकास, यहाँ की अर्थव्यवस्था की भीड़ बनने जा रही है, इसका बैकबोन बनने जा रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर का आधार बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर बनने वाली तोप, यहाँ पर बनने वाली बंदूकें, यहाँ पर बनने वाली फाइटर विमान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को लेकर के आएगी। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जहां कहीं से जाएगी वहां पर हम लोग औद्योगिक विकास के लिए ढेर सारा भूमि यहां के किसानों की सहमति से लेकर के औद्योगिक विकास के क्लस्टर हम स्थापित करेंगे और जिससे आप सौभाग्यशाली हैं। आपके सांसद से अनुराग शर्मा का परिवार बैद्यनाथपुर तो पहले से ही इस दिशा में यहाँ के लोगों के, यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का आधार बना था। भाइयों बहनों, जो लोग आज देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके उन्हें गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दस्तान आपको देखना है तो बैद्यनाथपुर के द्वारा बुंदेलखंड के किसानों के साथ जुड़ करके जो कार्य किया जाता है वह उसका उदाहरण है। लेकिन श्री अनुराग शर्मा के परिवार के लोगों ने एक किसी किसान की एक इंच जमीन भी नहीं ली, बल्कि किसान को मुनाफा ही दिया है, किसी किसान की जमीन कभी नहीं ली। क्यों गुमराह करते हो? किसान के नाम पर वे लोग राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं जिनको खेती किसानी से कोई किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, जो खेती किसानी का ये भी सीधी नहीं जानते हैं, खेती किसानी के बारे में तो कुछ नहीं जानता है। आज किसानों के हित में बनाए गए कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। कानून जो 2020 में भारत सरकार ने तय कर दिए थे, ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने उसके साथ ही अपने आप तमाम कानून का जो भी संशोधन करने के कानून में किए, लेकिन आज तक हमारी एक भी मंडी बंद नहीं हुई। एक ये कहना कि मंडी बंद हो जाएगी, ये सरासर झूठ है। ये कह देना किसान की जमीन को ले लिया जाएगा, ये सरासर झूठ है, असत्य है। और ये कह देना कि एमएसपी नहीं मिलेगा, ये भी सरासर असत्य है। याद करिए 2015-16 में धान का या गेहूं का या बुंदेलखंड में दलहन और तिलहन के बारे में किसानों से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट किया है और प्रोक्योरमेंट भी नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने इस साल, अगर मैं विगत वर्ष की तुलना में बताऊं, विगत वर्ष हमने 52 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा था। हम लोगों ने विगत वर्ष 35 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से किया था। और भाइयों बहनों, इस वर्ष हम लोगों ने किसानों से लगभग 68 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय एमएसपी में किया है, पहले की तुलना में कई गुना। एमएसपी तो कहीं समाप्त नहीं हुई, लेकिन गुमराह करने का कार्य वे लोग कर रहे हैं जिन्हें किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें नौजवानों को मिलना कार्य अच्छा नहीं लगता। जब दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रहा है, जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को सराहना मिलती है, तो भारत के अंदर
पर रहने वाले विदेशी चूषण के पलने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उसी पेट का उपचार किए जाने की आवश्यकता है। उसी उपचार के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। विकास की जो योजनाएं आप यहाँ पर आ रही है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं, कहीं सड़क का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, कहीं पर स्वास्थ्य केंद्रों का है, कहीं पर महिला स्वयंसेवी समूह का है, कहीं विद्यालयों के पुनरुद्धार का है, कहीं पर किसानों के लिए कुसुम योजना के अंदर सोलर प्लांट देने का है, कहीं सामी विवाह की योजनाओं के माध्यम से है, वृद्धावस्था पेंशन का है, आवास योजनाओं का है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को एक साथ यहाँ पे लोकार्पित और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर झांसी के आप सभी भाइयों और बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश की सरकार आपके हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोनों सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, नौजवान के हाथों को रोजगार देकर के उसके उसके उत्थान के लिए और महिलाओं के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग विकास के कार्यों में हर प्रकार के घोड़े अटकाने का काम करते हैं। याद करिए, जब हम कोरोना से जूझ रहे थे तब कुछ लोग फर्जी बसों के नंबर हमें दे रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे हमारे लोगों के साथ में, लेकिन आज ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने तय किया है 2 करोड़ मजदूरों को, जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर भी रहते हैं, इन सबको हर जनपद में इनका रजिस्ट्रेशन करवा करके इन्हीं सब लोगों को आज सरकार ने तय किया है कि इन लोगों को हम लोग 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देंगे और 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड भी उपलब्ध कराएंगे, हर वर्ष उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर उत्तर प्रदेश का कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में तो उसको सुविधा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में, उसके पास पैसा नहीं, जिसके यहाँ कार्य कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर उसको सहयोग नहीं दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का कार्ड उसके पास होगा और जाकर किसी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करा सकता है और उसको फ्री में हम बीमा भी देंगे और उसका स्वास्थ्य का पूरा उपचार का खर्चा हम देंगे। सरकार ने